बैक टू माई व्लॉग। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप निकली हुई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं बाहर बैठ के इंट्रो दे देती हूँ। और सबसे पहले तो अटेंशन दो मेरे सारे पिंपल्स पे, फेस के हर एक कोने पे एक है। नॉर्मली यही होता है मेरे साथ, जब मुझे कहीं जाना होता है ना तब तो पिंपल आना ही आना है। आज हम लोग जा रहे हैं एक रिसेप्शन पे, थोड़ा लंबा ड्राइव है, अपनी गाड़ी से ही जाएंगे। आज जाएंगे और कल सुबह या दोपहर तक आएंगे, रात को हम नहीं रुकने वाले हैं। घर से तैयार होकर ही जाएंगे हम, क्योंकि लंबा ड्राइव है। ब्लॉग को आप पूरा देखना, एंड तक देखना। मैं आपको अपनी ड्रेस भी दिखा देती हूँ, ये मेरी ड्रेस है, मैं आज ये पहनूंगी। और इसको देखो, ये अभी तक सो रहा है, इसको सोने देते हैं। वैसे भी इसको तैयार होने में इतना टाइम नहीं लगता, तो फिर इसको तभी जगाएंगे जब हमें जाना होगा। तो गाइस अब हम लोग रेडी है, उसके पहले का मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी रेडी हो रहे थे और बहुत लेट हो रहे थे। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है। और हम कैसे लग रहे हैं ये भी बताओ ना, मम्मा कैसी लग रही है देखो, और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना, ठीक है। अब हम लोग भी निकल गए हैं और हमें कितनी देर लगेगी पहुँचने में? अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो हमें 3 घंटे लगेंगे पहुँचने में, और अगर ट्रैफिक मिला तब तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। मैं कितनी खुश है अपने मामा के घर जाने के लिए। इतने सालों बाद जा रही हूँ मैं, तो सोचा था हम देखे पहले पहुँच गए होंगे। चले हुए अभी 1.5 घंटा या 2 घंटे और लगेंगे। थक गए क्या अब? हाँ थोड़ा तो थक गई, इसको हम ट्रक ड्राइवर बनाएंगे, इसको गाड़ी चलाने में मजा, गाड़ी चलाने में मजा तो ट्रक ड्राइवर बनाएगी। मम्मी को तो ठंड लग गई, ये देखो पूरा कंबल ओढ़ के बैठ गई। ठंड तो हो गई बस, हमने इधर ढाबे पे रुक के ब्रेक लिया है। मम्मी हर बार यही कहती रहती है कि मम्मी कैमरे में अच्छी नहीं लगती, तो कमेंट करके बताओ मम्मी कैमरे में अच्छी लगती है या नहीं लगती। देखो जरा इनको ध्यान से, कैसी लगती है, कैसी लगती है कैमरे में? अच्छी लगती है। डैडी भी शाय हो जाते हैं। बिल्कुल अंधेरा हो गया है और हम अभी तक पहुंचे नहीं है, अभी 1 घंटा और लगेगा। इधर ये तिल्यार लेक है, उसमें एक मिनी जू भी बना हुआ है। जब तुम दोनों छोटे थे ना तब लेके आए थे तुम्हें, हमें तो पता ही नहीं था। बंदर तो इसकी बोतल छीन के ले गए थे जब ये बोतल से दूध पीता था, ये पीने लग रहा और हाथ से छीन के भाग गया बंदर। स्कूटर पे इतनी दूर आ जाते थे हम चारों। मम्मी की यूनिवर्सिटी आ गई। हाँ डेली अप डाउन होता था यहाँ। आज हम इतने टाइम बाद आए और हम भी इतने परेशान हो गए थे दूर आके, और मम्मी डेली अप डाउन करती थी यहाँ तक। हाँ जब पता नहीं लगता था, अब लग रहा है बहुत दूर है। स्कूटर पे भी आते थे हम, कभी कभी बस में आते थे, कभी डैडी फ्री होते थे जब गाड़ी भी ले आते थे, जब थोड़ा घूमना फिरना होता था। क्विक अपडेट, अब हमें पहुंचने में सिर्फ 40 मिनट है। हमने मैप्स पे चेक किया था, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी इसको ठंड नहीं लगती। इसने शीशा खोला हुआ है और सबको ठंड लग रही है इसकी वजह से। मुझे तो अब भूख भी लग रही है और नींद भी ज़बरदस्त आ रही है, अभी से इतनी तेज़ नींद आ रही है, और ये मेरे मेकअप की भी बैंड बजती जा रही है। अरे नहीं अभी तो ठीक है, फ्लैश लाइट में ज़्यादा लग रहा होगा मुझे पता है। अब डैडी हमारे लिए कुछ खाने का ले रहे हैं, हमारे लिए नहीं वैसे, डैडी मम्मी के लिए ले रहे हैं। मम्मी का नाम लगा दे जैसे तेरे को नहीं लग रही। स्नैप भेजने से फुर्सत नहीं है, बच्चे ही हो तुम लोग। ओके थैंक्स, चल जाएगा तुम। ये तो डैडी की फेवरेट है। समझे के चोप से क्या देखो ला मैं भी खाती हूँ श्याम जी की चॉपसी। कुछ ठंडा पी लो अब हम इधर पहुँच गए हैं और मम्मी पहली चीज जो करे, ऑब्वियसली मुझे भूख लगी और मैं वैसे भी बल्ले पापड़ी खा चुका था।
नहीं सकता मम्मी किसी वेडिंग में जाए और मीठा ना खाए। ऑब्वियसली फंक्शन ओवर हो चुके हैं, हम भी आज यहीं रुक रहे हैं। आज हम हमारे मामा के घर रुक रहे हैं, उसके बाद हम सुबह अपने घर जाएंगे। सबको बहुत नींद आ रही है, सब लोग बहुत थक गए हैं, तो मैं आपसे सुबह ही मिलूंगा। अब हमारा फंक्शन तो निपट गया और हम लोग घर जा रहे हैं, और हमारे साथ मौसी भी जा रही है। मैंने मौसी को बस स्टैंड पे छोड़ा है, सबसे मिले बचपन की यादें ताजा हो गई। मैं तो अभी तक वही एंजॉय कर रही हूँ, मजे में हूँ मैं अभी से। राजस्थान की होती है ये। चलो भाई फाइनली घर आ गए। ये सीजर देखो बाहर ही बैठा है। हाय चिकू, आपने मुझे मिस किया, मैं शादी में गई थी। किया उन्हें उन और आप उन्हें उन्हें या फिर होया उन ओ आप रोए। हाँ बनी भी आ गया। हाय बनी, हमने तुझे बहुत मिस किया। चिकू बताओ है ना। हाँ, आज हम भी आ गए जाके और बनी भी आज ही आ गया। नाइस, और चीकू रोया क्योंकि हम दोनों चले गए थे। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर भी करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि उससे आपको पता चलता रहेगा कि मैं वीडियोस कब अपलोड कर रही हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो फिर अब इन दोनों ने भी बोल दिया, तो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलो बाय बाय। मुझे नहीं इधर दे दो फ्लाइंग किस। हाँ बाय।